शिमला में संजौली में सैकड़ों लोगों ने मिलकर मस्जिद का घेराव कर दिया। ये सभी लोग यहां अवैध निर्माण को तोड़वाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। इलाके के लोगों में एकजुट होकर पहले संजौली बाजार में विरोध मोर्चा खोला और इसके बाद सभी मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो गए। कई देर तक मस्जिद के बाहर प्रदर्शन चलता रहा। दरअसल अवैध निर्माण तोड़वाने के मामले में तूल पकड़ा जा रहा है। मौके पर स्थानीय प्रशासन ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया। प्रशासन की ओर से उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और नगर निगम शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री पहुंचे। कि ये बिल्डिंग जो है रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी जो 3 फ्लोर है वो जो ऊपर वाली फ्लोर है वो अनऑथराइज्ड है और ये कोरोना के टाइम पे ये दौरान ये बनी और इसका हमारे कोर्ट में केस चला है और 3-4 साल इसलिए इसमें थोड़े ज़्यादा लगे क्योंकि इसमें पार्टी गलत की बनी हुई। पहले कोई किसी इंडिविजुअल को बनाया था तो इसमें जो ऑनर है लैंड के ऑनर है वो वक्फ बोर्ड है। तो अभी हमने वक्फ बोर्ड को लाया है, उसमें पार्टी बनाया है और उनकी तरफ से प्रेजेंस हो भी गई है तो फर्स्ट इम्प्लाई पे लगा हुआ है। तो उससे बाद जो जब से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तब से उसका काम रोक दिया गया, जब से केस चला है तो उससे बाद कोई उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं। सिर्फ 3 महीने पहले एक उसमें एक टॉयलेट बनाया था, टॉयलेट बनाया गया था जिसको मौके पर ही उसका हमने सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दे उसको तोड़ दिया गया था। तो अभी ये कोर्ट में केस चला हुआ था और उसके बाद जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इनकी केस की इन्वेस्टिगेशन की बात वो मैंने कल शाम को ही कहा था कि प्रॉपर डॉक्टर से ओपिनियन लें और 307 में हम केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू सर। आपकी जो आपकी बातचीत है और जो आप प्रकट करना चाहते हैं उस सारी चीज़ को अच्छे से समझ अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर। इसी साहब भी यहीं पे, इंस्पेक्टर कमिश्नर भी यहीं पे और पुलिस भी आपके साथ। जहाँ तक और चीज़ों की बातें हैं कि जो आपके फीलिंग्स हैं या जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं, वो सारी के सारी चीज़ें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे।